दिया कि मुनिश्री के सानिध्य में अनुरत समिति दिल्ली को अनुरत का आयोजन करने का अवसर मिला और उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है कि विद्या भारती का यह सुरम्य प्रांगण ज्ञानशाला का साथ और समाज की अनेक विभूतियाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मीडिया वर्ग भी है, प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। आप सबका मैं अनुरत परिवार की ओर से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अनुरत गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अनुरत समिति दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट श्री सुरेंद्र जी नाथा, प्रचार प्रसार मंत्री श्री धन। जितने भी गौर बमोलियों को विनाश का कारण होती है और शांति सद्भाव सांप्रदायिक एकता रंग जाति के आधार पर जो भेदभाव है अगर वो नहीं होगा शांति रहेगी तो ये होगा। और नशा मुक्ति का जो आंदोलन चलाया, नशा करके आदमी को निर्माण नहीं कर सकता, नशा करके आदमी अपना ही निर्माण होता है और देश का निर्माण होता है, एक एक व्यक्ति से देश का निर्माण बनता है और अगर एक एक व्यक्ति अगर नशे में डूब जाएगा तो देश का निर्माण कौन करेगा। इसलिए नशा मुक्ति उनका सबसे बड़ा आंदोलन था और पर्यावरण के सुरक्षा वो भी उनका सबसे बड़ा आंदोलन था, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा करने पे इस देश का माहौल अच्छा रहेगा, इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा रहेगी तो आदमी स्वस्थ रहेगा और आदमी स्वस्थ रहेगा तो उस देश का विकास जितनी तेजी से हो सकता है वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए अनुवर्त आंदोलन के रूप में आता है तुलसी ने जो 11 सिद्धांत दिए थे वो आज के राष्ट्र के निर्माण के लिए एकदम समायोजित एकदम सापेक्ष साबित होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अनुवर्त का राष्ट्रीय निर्माण में आज इतना बड़ा योगदान है किसी चीज का नहीं हो सकता। इस देश के विकास के लिए हम आर्थिक विकास करते हैं, हम सामाजिक विकास करते हैं, हम चरित्र का विकास करते हैं, पर्यावरण का विकास करते हैं तो इस देश का विकास होता है। स्वतंत्रता की वेदियों से जल रहा हुआ था उस समय 53 धर्म संघ के नवम अधिशासता आचार्य श्री तुलसी के मन में एक प्रश्न उठा कि देश को आजाद हो गया, देश की भावी पीढ़ी, देश का निर्माण, देश का चरित्र और देश भ्रष्टाचार को नशा मुक्त कैसे हो। 49 को सदाचार की पावन धरती पर आचार्य तुलसी ने अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया। उस समय आचार्य तुलसी ने उपस्थित सभाओं से आह्वान किया था कि मुझे अनुवर्त आंदोलन को गति देने हेतु 10 व्यक्तियों की आवश्यकता है, किंतु उस समय लगभग 25 व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और स्वयं आचार्य तुलसी ने 73 व्यक्तियों के नाम अपने डायरी में नोट किए। का वातावरण हम देख रहे हैं, आज अनुवर्त की महती आवश्यकता है, चाहे चरित्र निर्माण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अहिंसा हो, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे पर्यावरण हो, सभी क्षेत्रों में आज अनुव्रत की हमारे भारतवर्ष में महत्व की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जो मिशन है ज्यादातर अनुव्रत आंदोलन पर प्रभावित है, अनुव्रत की जो आचार संहिता है उस पर आधारित है।
आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में और अन्य अन्य जगहों में भी आज नशा मुक्ति का जो सघन प्रचार चल रहा है ये अनवरत की देन है। कई बार बिहार के समय हमें स्कूलों में रुकना होता है, जब हम मूल गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो सीमेंट के दो पिलर उसके बीच में लोहे का गेट होता है, दोनों तरफ एक एक वाक्य लिखा होता है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। बड़ी गहरी बात, बड़ी विशेष बात है, चाहे स्कूल में प्रवेश किया जाए चाहे ज्ञान शाला में प्रवेश किया जाए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सब ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान शाला का आयोजन किया जाता है। जो ज्ञान शाला में आकर बहुत शांति से तन्मयता से प्रशिक्षक जो सिखाते हैं उसे सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारतों में लगे रहते हैं, बातचीत में लगे रहते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। और ये मंगल कामना की गई कि सूर्य नगर की ज्ञान शाला से कुछ बच्चे इस रूप में आगे उभर करके सामने आए जो देश के लिए एक मिसाल और आदर्श बन जाए। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो, है ना, अपना अपने परिवार का समाज का और देश का नाम रोशन करना चाहते हो ना, कैसे करो, कैसे करो। राकेश जयंती का सम्मान करें, डॉक्टर आलम प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी उपाध्यक्ष सुराना। अभी हाल ही में 1 मार्च अमृत स्थापना दिवस पे इसके सेंट्रल पार्क में अमृत का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, पूरे देश में ही अंशु जैन जी शांति नाटा है जिस कवि सम्मेलन की मैं अपनी एक अलग ही क्रिएटिव सोच से दिशा अग्रवाल आगे आए और प्रतीक चिन्ह देके अरुण जी का जिस भारत वर्ग में ना केवल अनुरोध का बल्कि करें, इनके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक बहुत ही एनर्जेटिक, कहना गलत नहीं होगा कि आज आलम अली जैसे व्यक्ति या जैसे चावला जी जैसे व्यक्ति जो कि हमारे समाज के नहीं है उसके बावजूद भी आचार्य सिखाना की श्रद्धा के साथ लेंगे। आज मैं अगर उनका गुणगान करूं तो कोई खास बात नहीं है क्योंकि हमने तो उनकी वंशावली में जन्म लिया है और बहुत कुछ देखा है सुना है, लेकिन जब हमारे समाज से बाहर का व्यक्ति जब उनका इतनी श्रद्धा के साथ नाम लेता है, आज हम इंडियन आइडल के माध्यम से फिल्मिंग गीतों की प्रतियोगिताएँ हम रेडियो पर टीवी पर सुनते हैं, लेकिन जब मॉरल वैल्यूज पर आधारित आचार्य तुलसी और उनकी धवल सेना की रचित गीत जो हैं जब हम देश के हजारों लाखों बच्चों के माध्यम से सुनते हैं तो सचमुच हमारा हृदय गदगद होता है, रोमांचित होता है। अनुग्रह एक वो समय था जब स्कूलों में हमारे संतों को जाने के लिए उनके आगे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, स्कूलों में घुसने के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता था, कई बार कुछ शब्द सुनने भी पड़ते थे, लेकिन आज उन स्कूलों के अंदर हम बैंड बाजे के साथ जाते हैं। आज अनुगत की भूमिका एक सशक्त रूप में हमें दिखाई देती है। मेरा नाम मुनि मुकुल कुमार है, मैं अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महासमंद जी का शिष्य हूँ। अनुव्रत आंदोलन हमारे तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य गुरुदेव तुलसी ने उसका प्रवर्तन किया था और लगभग
छः दशक से भी अधिक समय से अनुव्रत व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से कार्य कर रहा है, क्योंकि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट से इमारत का निर्माण होता है, उसी तरह व्यक्ति व्यक्ति से समाज, परिवार और राष्ट्र का निर्माण होता है। अनुव्रत ने अनेक क्षेत्रों में ऐसे कार्य किए हैं जिससे हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने और उसे एक ऐसा गौरव प्राप्त हो, एक ऐसा वैशिष्ट्य प्राप्त हो जो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बने। दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधक तत्व के रूप में उभर करके सामने आ रही है। पहली है भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार का दीमक जब तक इस देश के लगा रहेगा तब तक हम सर्वांगीण विकास की कल्पना को साकार नहीं कर सकेंगे। दूसरा, पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता अंधानुकरण, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता ने हमारे संस्कारों पर गहरा कुठाराघात किया है, हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोका है। क्योंकि विदेशी संस्कृति कहती है रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में, जबकि भारतीय संस्कृति लर्निंग और अर्निंग के साथ में लिविंग भी सिखाती है, जीना भी सिखाती है, एक ऐसा संदेश देती है, एक ऐसा तेज देती है जिसके द्वारा हम विकास के सर्वतोमुखी द्वार को उद्घाटित कर सकते हैं। तो अनुव्रत ने इन दो क्षेत्रों में पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण ना हो और नैतिकता का विकास हो। और देखो, नैतिकता एक महासमुद्र है जिसमें अनेक गुण रूपी रत्न भरे पड़े हैं, उसमें से एक रत्न है कर्तव्य निष्ठा। अगर हम अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करें तो निस्संदेह हम नैतिकता की स्थापना कर सकते हैं, नैतिकता के द्वारा भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो अनुव्रत महासमिति ने, अनुव्रत के कार्यकर्ताओं ने इस दृष्टि से ये कार्यक्रम का समायोजन किया है कि अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो अनुव्रत का जो एक लक्ष्य है कि नैतिकता की स्थापना हो, पश्चिमी सभ्यता का जो अंधानुकरण है उस पर रोक लगे और व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में एक तेजस्वी कार्य हो, तो हम इस सपनों को मिलकर के साकार कर सकते हैं। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सादरा सभा अध्यक्ष निर्मल कोठारी बेद अनुव्रत समिति दिल्ली का स्वागत करता हूँ। जैन श्वेतांबर तेरापंथी सादरा सभा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ज्ञानशालाएँ, सूर्यनगर ज्ञानशाला यहाँ विद्याभारती स्कूल में होती है और लक्ष्मी नगर में भी होती है, ओसवाल भवन में होती है। आचार्य श्री महासमण जी की कृपा से अनुव्रत का कार्यक्रम बराबर पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। नैतिकता, सौहार्द, नशा मुक्ति, ये हमारा अनुव्रत का मेन उद्देश्य है। और अनुव्रत किसी भी प्रकार का जाति पाति का में भेदभाव नहीं रखती और दिल्ली अनुव्रत समिति में जनरल सेक्रेटरी कुसुम भाई इसका भरपूर प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनके उपाध्यक्ष शांतिलाल जी, मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। ओम भिक्षु, जय महासमण, जय अनुव्रत। शांतिलाल पटावरी, उपाध्यक्ष अनुव्रत समिति दिल्ली। अनुव्रत के कार्यक्रमों के में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ये दिल्ली अनुव्रत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी जैन, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं SRCC के, और उनके नेतृत्व में पूरी टीम अनुव्रत के प्रति श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। 1 मार्च 1949 को अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। देश जब आज़ाद हुआ तो उनके मन में एक ललक उठी कि क्यों नहीं देश को चारित्रिक, संस्कारित एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। इसलिए उन्होंने लाखों किलोमीटर की पूरे भारत में पदयात्रा की। अनुव्रत समिति दिल्ली आज उनके मिशन को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में, रेन बसेरों में, अनाथालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में एवं विभिन्न स्थानों में अनुव्रत के कार्यक्रम को लेकर उनके मिशन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मैं सादरा सभा से प्रचार प्रसार मंत्री महेंद्र चौरडिया, और अनुव्रत समिति का जिस हिसाब से प्रचार प्रसार मेरे को भी करता है, दिल में करता है कि उनके लिए प्रचार प्रसार में सहयोगी बनूं, और ये जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अनुव्रत की गूंज गली गली तक वे पहुंचा रहे हैं, और मेरे नज़र से दिल्ली का कोई भी कोना इन्होंने नहीं छोड़ा होगा जहां इन्होंने प्रयास में अपनी कमी छोड़ी होगी, और मेरा निरंतर इनके साथ सहयोग रहेगा जैसा वो चाहेंगे।
मैं उनके साथ सहयोगी रहूंगा। और अनुवर्त एक ऐसी है जो मेरे अंदर भी ऐसी लो जला दी है कि मैं इनके साथ दूं और साथ देता रहूं। ओम अरम। मेरा नाम विवेक बोरड़ है, मैं अनुवर्त समिति दिल्ली में ट्रेजरर हूं। और पिछले 2 सालों में अनुवर्त ने जो कार्य किए हैं वो सही में सराहनीय है। एज अ ट्रेजरर मैंने काफ़ी जो जो सेवाएँ मैं प्रदान कर सकता था मैं कर रहा हूँ, चाहे कोई कहीं से फ़ंड अरेंजमेंट का हो, चाहे कहीं जाना हो। और ये आचार्य श्री गणाधिपति श्री तुलसी का ये जो आंदोलन है इसे ज़रूर एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे ये अनुवर्त समिति, और मैं सभी मंगल कामनाएं करता हूँ इनके लिए। डॉक्टर कुसुम लूनिया, जनरल सेक्रेटरी अनुवर्त समिति दिल्ली। अनुवर्त एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आंदोलन है और एक दर्शन है जो इंसान की भलाई के लिए काम कर रहा है। अनुवर्त आंदोलन का सूत्रपात 1949 में आचार्य तुलसी ने देश को असली आज़ादी अपनाओ के संदेश के साथ दिया था। तब से लेकर आज तक लाखों लाखों कार्यकर्ताएं इस अनुवर्त की धारा को बहाकर समाज और देश के उत्थान में अपना योगदान दे रहे हैं। 1985 से अनुवर्त समिति दिल्ली दिल्ली में व्यापक कार्य कर रही है। सन 2015 में सितंबर में डॉक्टर पीसी जैन के अध्यक्ष और लीडरशिप में अनुवर्त समिति दिल्ली ने शपथ ग्रहण की। तब चाहे अनाथालय हो, निगम बोध घाट हो, रैन बसेरों हो, वहाँ पर काम करते हुए राष्ट्रपति भवन तक हम गए। बुद्धिजीवियों ने, व्यापारियों ने, कामदारों ने, व्यापारियों ने, सबने अनुवर्त को सुना, समझा और जाना। और सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगा जब अनुवर्त की गूंज हुई राजपथ पे। भारत पर्व में पार्टिसिपेशन किया अनुवर्त ने, अनुवर्त समिति दिल्ली ने, और बहुत सराहा गया। और लाल किले पर जो अनुवर्त का शंखनाद गूंजा उसकी आवाज़ तो दूर तलक गई। यहाँ तक कि बहुत से मीडिया हाउसेज ने भी अनुवर्त के विचार को काफ़ी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि जनमानस, आम आवाम अनुवर्त से जुड़ा। किसी के मुंह में गुटखा था, उसने थूक दिया। किसी ने शराब छोड़ने का संकल्प लिया और अनुवर्त से जुड़ा। किसी ने, चाहे अभी माननीय मोदी जी का कैशलेस इंडिया हो, उसमें भी कंट्रीब्यूशन के लिए लोग अनुवर्त से जुड़े। अनुवर्त सबके लिए अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। ओम अरहम, धन्यवाद। मेरा नाम राजेश गेलड़ा है और मैं दक्षिण दिल्ली से आया हूँ। मैंने एक फ़िल्म का निर्माण किया है जिसका नाम है ब्लू माउंटेंस, जो कि बच्चों की फिल्म है, और इसको भारत सरकार के द्वारा बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड भी मिला, गोल्डन एलिफेंट अवार्ड, जिसमें हमें भारत सरकार ने गोल्डन एलिफेंट अवार्ड और 1.5 लाख रुपए का चेक भी दिया। ये फिल्म अभी 7 अप्रैल को दिल्ली सहित भारत के सभी सिनेमाघरों में, करीब 100 से ज़्यादा थिएटर में रिलीज़ हुई, और बहुत सारे बच्चों ने ये फिल्म देखी और काफ़ी सारी फैमिलीज़ ने फिल्म देखी और फिल्म को बहुत सराहा। तो इस सराहनीय योगदान के लिए मैं समाज के सभी वर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि वो अधिक से अधिक मात्रा में आए, और आज मुझे यहाँ अनुवर्त महासमिति के इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, जिससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ इनके संयोजक या और कुसुम लुनिया जी को कि एक ऐसा समय उन्होंने चुना मुझे बुलाने का जिसमें बच्चे यहाँ पर हैं। चूँकि मेरा सब्जेक्ट बच्चों से रिलेटेड था तो मुझे आकर के यहाँ पर हार्दिक खुशी हो रही है, धन्यवाद। मेरा नाम अनिल रांका है। ब्लू माउंटेंस फिल्म में मैं एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहा, और अनुवर्त समिति का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें यह ऑनर दिया, यहाँ बुलाया। और इस फिल्म में हमने एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी है कि पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड फेलियर इज़ अ बेटर टीचर देन सक्सेस। थैंक यू।